ओम श्री हरि नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है भाग्योदय ज्योतिष केंद्र के इस वीडियो में। साथियों, जैसे कि अभी मैंने रिसेंटली ही अंक ज्योतिष के बारे में, हस्त रेखा के बारे में बात करना शुरू किया था, साथियों आज अपने इस वीडियो में मैं अंक ज्योतिष के बारे में कुछ प्रारंभिक बातें बताऊंगा और उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। साथियों, जैसा कि पिछले अपने वीडियो में मैंने भाग्यांक और मूलांक क्या होते हैं, उन्हें कैसे निकाला जाता है, इस बारे में मैंने बात की थी। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ वो जो मूलांक है या भाग्यांक है, उन एक से लेकर के 9 तक की जो गिनतियां हैं, जो ये नंबर्स हैं, इनके मालिक कौन है और इनको किस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं कि उनमें क्या क्या खासियतें हो सकती हैं। आज मैं सिर्फ ब्रीफ बताऊंगा कि एक से लेकर के 9 तक की जो संख्या है उसको हम किस प्रकार से किस किस देवताओं के लिए मानते हैं। साथियों, वीडियो को लंबा नहीं करते हैं और हम बात करते हैं अपने अंक ज्योतिष के बारे में। आज का जो हमारा वीडियो है उसमें सिर्फ हम लोग अंकों के बारे में बात करेंगे कि ये अंक के लॉर्ड कौन कौन है और उनमें थोड़ी बहुत बातें हम लोग ये भी कर लेंगे कि इनमें खासियतें क्या क्या होती हैं। साथियों, मूलांक को भागेंगे, मैंने बता दिया था आपको कि आपने जन्म तिथि का जो पहले जैसे 10 मार्च 1900। अच्छा, एक काम करते हैं, हम एक ही किसी अंक को लेते हैं उसी ही अंक के बारे में हम बात करते रहेंगे। जैसे कि हम लेते हैं 2 सितंबर 2015। ये अंक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में कभी जब आगे बात करेंगे तब बताऊंगा। और हम लोग इसी अंक को बेस मान करके आगे अपने ज्योतिष को सीखने की कोशिश करेंगे। अभी जैसे कि आप देखिए 02, इसका जो मूलांक हुआ 2 हुआ, तो अब इस 2 नंबर का लॉर्ड कौन हुआ इस व्यक्ति के ऊपर, जो ये बच्चा है क्योंकि अभी 7-8 साल का बच्चा है, तो उस बच्चे में जो तो खासियतें होंगी वो इस 2 अंक के संबंधित होंगी। तो साथियों, अब बात कर लेते हैं कि इसके लॉर्ड कौन से होते हैं, इनके मालिक कौन कौन होते हैं। हरे, जैसे कि आपका एक नंबर राजा का है, सूर्य का है। जिस भी व्यक्ति का मूलांक एक होता है उन सबके अंदर लीडिंग क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, ये लोग बहुत अच्छे लीडर हो सकते हैं। साथियों, लीडर और एक जिसे कहते हैं राजा और एक सेनापति में बहुत अंतर होता है, इस बारे में हम लोग बात करते रहेंगे। इनके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, ये लोग अच्छे राजा हो सकते हैं, किसी भी अगर डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो अपने को वर्कर्स को बड़े अच्छे से लीड कर सकते हैं। ये साम दाम दंड भेद सारे ही ट्रिक्स को अपना करके तब काम करते हैं और कहीं हद तक अच्छे कुशल एक प्रशासनिक अधिकारी या प्रशासन वाले हो सकते हैं। 2 नंबर चंद्रमा का होता है, जैसे राजा का वैसे हम चंद्रमा को नारी मानते हैं, तो जो व्यक्ति का 2 नंबर होगा जैसे इस बच्चे का है, तो यह व्यक्ति काफी भावुक होगा, बहुत केयरिंग होगा। इस बच्चे को स्टार्टिंग में जब जन्म समय से 5-6 साल की उम्र तक इस बच्चे को कोल्ड की समस्या बहुत होती होगी, इसकी इम्यूनिटी पावर इतनी अच्छी नहीं होगी। तो 2 नंबर हुआ चंद्रमा का। 3 नंबर सूर्य, चंद्रमा के बाद सबसे जो महत्वपूर्ण पदवी है वह है गुरु की, तो 3 नंबर है आपके गुरु का। जिस भी व्यक्ति का, जैसे मान लीजिए किसी का 3 अक्टूबर 2017 है किसी का बर्थ, तो 3 नंबर इसका अगर मूलांक है तो वो व्यक्ति बहुत अच्छा अध्यापक हो सकता है, बहुत से लोगों को गाइड कर सकता है, बहुत से लोगों को वो उसका पथ प्रदर्शन कर सकता है। तो 3 नंबर वाले बहुत अच्छे टीचर हो सकते हैं, बहुत अच्छे कंसल्टेंट हो सकते हैं, एडवाइजर हो सकते हैं, बहुत अच्छे मैथमेटिशियन भी हो सकते हैं। 4 नंबर को सूर्य का नेगेटिव नंबर ही माना जाता है, और कई बार मैंने इसको ये भी देखा है कि लोग उसको राहु के अंक के लिए भी मानते हैं। साथियों, 4 नंबर की खासियत बताता हूँ आपको। जिस भी जातक का मूलांक 4 होता है उस व्यक्ति का आयु कितना है
ये बताना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। अगर कई बार तो मैंने ये देखा है कि व्यक्ति 25 साल का होता है, लगता है इसे 40 साल का है, 35 साल का है, इतना डिफरेंस दिखता है। और कई बार 40 साल का व्यक्ति लगता है 30 साल का भी नहीं। तो उन सब लोगों का मूलांक 4 होने की प्रबल संभावना है। अगर आपको किसी का मूलांक 4 दिखता है तो आप ये समझ लीजिएगा कि उस व्यक्ति का आपको एज का प्रिडिक्शन करना बहुत मुश्किल है। तो इसके बाद 5वां नंबर होता है आपका बुध का। जिन लोगों का बुध का मूलांक होता है वो लोग बहुत अच्छे बिजनेस माइंडेड होते हैं। उन लोगों का फाइनेंस रिलेटेड जितना भी मैटर होता है वो बड़े अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं। तो क्योंकि बुध फाइनेंस का कारक है, कॉमर्स का कारक है, और कम्युनिकेशन स्किल बड़ा अच्छा होता है। ये लोग बड़ी अच्छी बातें बोलते हैं और बातें ऐसी बोलते हैं ताकि लोग उसे प्रभावित होकर के उससे कोई काम करवाएं, ऐसा कुछ करें। अच्छा, 6 नंबर होता है शुक्र का। शुक्र का जो छठा नंबर 6 नंबर है, जिस भी जातक का मूलांक 6 है वो लोग बहुत दिखावे को मानते हैं। उनको हर चीज बहुत अच्छा चाहिए, ऐश्वर्य, सुख सुविधा, उनको बहुत सारी चीज होती है और वो लोग उसको हासिल भी करते हैं। क्योंकि ये शुक्र है, दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं, और यह छल बल से भी अपना स्वार्थ निकाल लेते हैं। अच्छा, अब बात करें हम 7 नंबर की। 7 नंबर को चंद्रमा का नेगेटिव नंबर ही माना जाता है। हमारे जो वैदिक अंग ज्योतिष की बात करो तो उसमें हमें कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि चंद्रमा का नेगेटिव नंबर माना जाता है। और जो आपके ईस्टर्न कंट्रीज के जो लोग हैं वो उसको केतु के लिए भी मानते हैं। यहाँ पर 4 और 7, 7 और 4 नंबर के लोगों में ये देखा है कि इनका एज के प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल होता है। 7 नंबर वाले जो लोग होते हैं वो लोग बहुत अच्छे कंप्यूटर वाले हो सकते हैं, उनकी कोडिंग बहुत अच्छी हो सकती है, माइंड में ख्याल तो इतने अच्छे आते हैं कि कोई हद नहीं, लेकिन उसको उनको इम्प्लीमेंट करने में बड़ी दिक्कत होती है। इसका उपाय मैं आपको कभी आने वाली वीडियो में जरूर बताऊंगा। तो केतु का नंबर हुआ 7। 8 नंबर हुआ हमारे शनि महाराज का। जिन लोगों का ये मूलांक 8 होता है वो बहुत अच्छे सेवक होते हैं। जितने प्रशासनिक अधिकारी होते हैं जो कि पब्लिक की सेवा करते हैं वो कहीं ना कहीं उनका मूलांक अगर 8 है तो बहुत अच्छा कर पाते हैं। मैंने कई बार ये देखा है कि ज़्यादातर जो लोग IAS PCS वगैरह बनते हैं तो उनके कुंडली में, या उनके अगर हम जन्मांक की बात करें तो ये जो उनका डेट ऑफ बर्थ होता है उसमें 8 नंबर की बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। और इसको मैंने कई कुंडली में देखा भी है, इसलिए मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ जो मैंने अभी तक कुंडलियों में अप्लाई किया है और देखा है कि उनमें क्या क्या रिजल्ट मिला है। तो जो 9 नंबर मंगल का होता है, ये लोग बहुत जल्दी गुस्से वाले होते हैं, गुस्सा तो फटाफट कर लेते हैं, इनमें कोई दो राय नहीं है। इनके डिक्शनरी में काम को करना लिखा हुआ है, कैसे होगा कोई पता नहीं। ये लोग साम दंड साम काम दाम दंडवेट नहीं देखते, ये सिर्फ दंड देखते हैं। काम करो तो करो, अदरवाइज मत करो, आप घड़े सकते हो। एक्शन तुरंत, क्विक एक्शन होता है इनका। ये लोग अच्छे मैनेजर हो सकते हैं, अच्छे बॉस नहीं, अच्छे मैनेजर हो सकते हैं लोग। साथियों, ये था आज का अंक ज्योतिष का छोटा सा चैप्टर। आने वाले वीडियोज में हम लोग ऐसे ही हर अंक के बारे में जानेंगे, उसके शत्रु कौन कौन होते हैं, उसके मित्र कौन कौन होते हैं, उन मूलांक वालों को किन किन चीज़ों में ज़्यादा रुचि हो सकती है, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। कोई प्रश्न हो जरूर लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।